दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले आदेश दिए थे कि पूरे देश में सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं। बावजूद इसके या तो कैमरे लगे ही नहीं या तो वो किसी काम के नहीं हैं। साफ बात यह है कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की निगरानी के लिए लगाए गए हजारों सीसीटीवी कैमरों के उपयोग के मामले में भी पुलिस ने कोई रुचि नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल 2018 में दिए गए आदेशों की अनुपालना में गृह मंत्रालय ने सीसीटीवी फुटेज को स्टोर करने के एक केंद्रीय सर्वर की देखरेख के लिए एक कमेटी गठित की थी। इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उसके बाद गृह मंत्रालय ने या राज्यों ने इस दिशा में क्या कदम उठाए। वहीं गृह मंत्रालय जिसने क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल में किए गए संशोधन के औचित्य को रखते हुए पुलिस को यह अनुमति दी थी कि सभी संदिग्धों और हिरासत में लिए गए लोगों जिसमें गिरफ्तार और अंडर ट्रायल आरोपियों के बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठी करें जिनमें उनके डीएनए तथा वीर्य के सैंपल भी शामिल हैं, लेकिन गृह मंत्रालय के इन निर्देशों पर पुलिस को कुछ भी पता नहीं है। अभी कुछ ही दिनों की बात है, पुलिस की ज्यादतियों के अनेकों मामले सामने आए हैं जिनमें कि यूपी के ललितपुर का ही मामला जिसमें कि एसएचओ ही शामिल था एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, ये आरोप तक लगे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक एसएचओ द्वारा एक छोटी बच्ची के साथ रेप करने का मामला सामने आया था। वहीं बिहार का भी एक मामला सामने आया था जिसमें एक फरियादी महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंचती है मगर उसके एवेज में थाना अध्यक्ष जी उससे मालिश करवाते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिसधारी रंगे हाथ पकड़े गए हैं और सरासर खाकी वर्दी को शर्मसार किया गया। ऐसे यही दो मामले नहीं हैं, ऐसे कई मामले आए हैं जो उत्तर प्रदेश से ही हैं और इससे भी ज़्यादा राज्यों में किए गए हैं जिसमें पूरी खाकी वर्दी पर सवालिया निशान दागे गए हैं। लगातार थाना अध्यक्ष और एसएचओ द्वारा इस तरीके के मामले सामने आते हुए भी सरकार इन सब मामलों पर किस तरीके से कदम उठाएगी, क्या इन पर कोई संज्ञान लेगी? ऐसा ही एक मामला और सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी ने एक महिला को कोड़े लगाए और उस पर 3rd degree तक आजमाया। इस तरीके की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं, उसके बावजूद सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी ये तो देखने वाली बात है। बहरहाल पुलिस पर अभी यही बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक थानों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? लगातार इस तरीके की खबरें हमारे सामने आती हैं और थानों में भी अब लगातार इस तरीके की घिनौनी हरकतें सामने आ रही हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह है, पुलिस थानों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 साल पहले ये आदेश देने के बाद भी सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए। अब देखने वाली बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले ये आदेश दिया था उसके बावजूद भी थानों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए गए। क्या ये पूरा पुलिस प्रशासन सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना करता है और इतनी बड़ी बात होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़े कदम क्यों नहीं उठाए, ये सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित आवाज़, दिल्ली।